हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। आज देखते हैं कि क्या आशीर्वाद आता है। देखिए, जीवन एक धरे पे चलने का नाम नहीं है। जीवन में कई परिस्थितियां अलग अलग आती हैं, उसी के लिए हम आपको आज का उपाय का एक नया सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम आपको उपाय बताते हैं। तो उसमें आपको यही सहयोग देना है कि उसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों तक मेरी बात पहुंचे, ताकि एक अच्छा माहौल बने, सब लोगों को सुखद जीवन मिल सके। और आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में अवेलेबल रहता है, लेकिन वो सिर्फ मैसेज के लिए है, कॉल ना करें आप। पहला कार्ड, पहला ही कार्ड बहुत अच्छी एनर्जी के साथ है और वो ये बता रहा है कि आप एक डिटरमाइंड माइंड से, डिटरमाइंड होकर के अपने सफ़र पे निकले हैं, अपने लाइफ के जर्नी पे निकले हैं और आपको भरोसा है कि उसमें आप जरूर सफल होंगे। देखिए, आधे से अधिक सफलता और असफलता हमारी अपनी सोच पर रहती है, विचारों पर रहती है। अगर हम ये सोच के चलते हैं कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ, तो वो जो आपका एक एनर्जी लेवल होता है वो आपको कामयाब करता है और उसके साथ आप कामयाब होते भी हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, जिस कामयाबी के लिए आप निकले हैं, जिस सफर पे आप चले हैं, उसमें जो भी परिस्थिति आपके समक्ष आ रही है, उस परिस्थिति को पहले ठहरो, रुको, एक एकाग्रचित होकर के, एकाग्रचित होकर के उस परिस्थिति का अब आकलन करें, असेसमेंट लें कि ये जो परिस्थिति मेरे सामने इस वक्त उपस्थित हुई है आपके समक्ष, अब आपको उसके लिए क्या रणनीति अपनानी है, कैसे कार्य को करना है, कैसे आगे बढ़ना होगा और क्या क्या इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। उपायों का मतलब कि क्या क्या आपको इसके लिए एफर्ट्स करने होंगे। इस चीज को आप ठहरे, रुके, विचार करें, सोचें और फिर आगे मार्ग लें। और अगर आप अंधाधुंध चलेंगे कि मैं तो निकला हूं और मेरे को पता है कि मैं इसमें सफलता लूंगा, तो देखिए उसमें आप सफलता तो लेंगे लेकिन जो और जितनी सफलता आनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। अगर आप उतनी बड़ी सफलता लेना चाहते हैं जितनी बड़ी आपने योजना बनाई है, उसके लिए आपको रास्ता चलते हुए, कुछ तय करने के बाद, कुछ रास्ता तय करने के बाद सफलता का आपको रुकना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और आकलन करना पड़ेगा जो अभी तक आपने किया है उसका एक असेसमेंट आप लेंगे सेल्फ में, अपने आप में, और पहले अपने आप में लेने के बाद फिर अपने एडवाइज़र ग्रुप से या लीगल एडवाइज़र से या जो आपके मेंटोर हैं उनसे आप परामर्श करें, विमर्श करें, तो फिर आगे चलें।
चाहे ये फैमिली मैटर हो, चाहे आपका प्रोफेशनल मैटर हो, सोशल हो, क्योंकि मैं किसी एक चीज़ को लेकर के नहीं बोलती हूँ, मैं एक कलेक्टिवली रीडिंग देती हूँ। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है ओपननेस। ओपननेस का मतलब ये कि आप सदैव, आप हमेशा खुले दिमाग, खुले दिल, खुली सोच के साथ कार्य को करें। कहीं छोटी सोच में, छोटे दायरे में अपने आप को बांधने का प्रयास ना करें। तो बंधन में किया गया कार्य, ये छोटी सोच से किया गया कार्य आपको उतना सफल व्यक्ति नहीं बनाता है जितना सफल आप खुली सोच के साथ हो सकते हैं। ओपन माइंड और ओपन मन से जब आप कार्य को करते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। सारे सुझावों को खुले दिल से स्वीकार करें, उन पर विचार करें, उसके बाद उन सुझावों में से किसी जो ज़्यादा आपको सूटेबल लगे अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, आप उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन ऐसा ना करें कि आपने जो सोचा है, आप जो जानते हैं, जो आप मानते हैं, जो आपका विचार है, जैसे आप जब तक चल रहे आ रहे हैं वैसा ही चलेंगे, तो समय के अनुसार तो बदलना ही पड़ता है। अकॉर्डिंग टू द टाइम चेंज जो भी हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही ओपननेस है, यही हमारा खुलापन है और यही सोसाइटी को आगे बढ़ाता है। अगर अपने को, अपने साथ के लोगों को, अपने आसपास के माहौल को ज़्यादा खुशनुमा रखना है, ज़्यादा अकॉर्डिंग टू टाइम रखना है, जैसा समय हो वैसा अपडेट होते रहें, जैसा समय हो उस वर्जन में आप तब्दील होते रहें, तो आपके प्रोग्रेस को, आपके उन्नति को, आपके विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आपका विकास क्रम बढ़ता ही रहेगा। जैसे ये सृष्टि का क्रम बढ़ रहा है, जिस समय सृष्टि का निर्माण हुआ था मालूम है आपको ब्रह्मांड छोटा सा था, लेकिन अब ये ब्रह्मांड का विस्तार होता जा रहा है और आज भी हो रहा है और आगे भी होगा। जब भी कोई बड़ा तारा टूटता है, विस्फोट होता है, तो वहाँ से और दूर तक सितारों का निर्माण हो जाता है, नए ब्रह्मांड बनने लगते हैं, नई नई खोज करनी पड़ती है। तो अगर हम अपने आप को ओपन नहीं रखेंगे, खुला नहीं रखेंगे, सोच को बड़ा नहीं रखेंगे, तो फिर हम छोटे दायरे में काम करेंगे और छोटा ही काम करेंगे। खुली सोच, खुला मन, खुला विचार और हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए एकदम अपडेट रहें, अप टू डेट रहें। इसके बाद अगला एनर्जी और अच्छा है। वो कह रहा है अगला एनर्जी कि जब आप सबको प्यार से, सबको अपने साथ लेकर के चलेंगे, सबके साथ आप एक अच्छा व्यवहार करेंगे, सबको अपना मानते हुए कार्य को संपादित करेंगे, तो क्या होगा? और ओपन माइंड से करेंगे तो आपको कोई गलानी भी नहीं होगी कि हाँ मैं तो समय के अनुकूल हूँ, समय अनुकूल हूँ, तो आपके मन में शांति रहेगी, आपके अंदर एक इनर पीस, इंटरनल पीस बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर शांति होगी तो माइंड भी शांत होगा। तो जब एक इंटरनल पीस हमारे अंदर होता है, हम शांत होते हैं, हम संतुष्ट होते हैं अपनी परिस्थिति से, तो हम अपने आप को तरोताज़ा महसूस करते हैं, तो हम अपने आप को बीमार भी नहीं मानते हैं। जब हम अंदर से उदास होते हैं या अंदर से थोड़े रिग्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से घिरे हुए हैं। लेकिन जब हम मन से प्रसन्न होते हैं, हमारे अंदर एक शांति होती है, परम शांति होती है, तो फिर हमें कोई बीमारी भी इतनी जल्दी से घेर नहीं पाती है। हम अपने आप को परम शांति में, परम आत्मा के साथ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, क्योंकि इंटरनल शांति ही हमारी आत्मा का एक स्वरूप है। इसके बाद अगला कार्ड ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रसन्न मन से अपने कार्य को करेंगे, तो आपको और आपके आसपास के लोगों को भी बड़ी शांति मिलेगी आपको देखते ही। क्योंकि तो आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा कि कई लोगों को देखते ही मन खुश हो जाता है, चाहे हम उन्हें जानते हों चाहे ना जानते हों। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको दूर से भी देखे, जानते हो ना जानते हो, देख करके ही एक घुटन सी महसूस होती है।
सॉरी, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि वो अंदर से संकुचित हैं, उनके अंदर शांति नहीं है, अंदर उनके मन के अंदर संतोष नहीं है, मन उनका शांत नहीं है। लेकिन जब कोई मन शांत होता है तो उसके आसपास का हर फूल, हर पत्ती, हर पौधा, हर वृक्ष चहक रहा होता है, उसके आसपास पंछी, उसके आसपास के पक्षी, या उन्होंने कोई पेट हो, या कोई उनके आसपास कोई एनिमल भी रहते हो, तो वो भी उस व्यक्ति को देख करके उसके पास आने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे अच्छे व्यक्तित्व को कोई व्यक्ति पहचाने या ना पहचाने, मगर ये जो पंछी हैं, जानवर हैं, पेट हैं, वो समझ जाते हैं। और अगर आप मेंटली अपसेट हैं, मन से आप उदास हैं, आपको आपके घर से 5 किलोमीटर पहले, आप घर आ रहे होंगे तो 5 किलोमीटर की दूरी पर भी घर से होंगे ना, तो आपका पेट वैसा ही व्यवहार करने शुरू कर देगा कि मेरा मालिक आज परेशान है, वो भी बेचैन बेचैन घूमेगा। कभी भी जिनके घर में पेट हैं वो मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे। तो हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारा एक जो बॉडी का ऑरा है वो हमारे आसपास के कई किलोमीटर को प्रभावित करता है। इसलिए प्रसन्न रहें, खुश रहें, मन में शांति को रख के कार्य को करेंगे तो सफलता का दायरा, सफलता का एक पैमाना नहीं रहेगा कोई दूर तक। लेकिन जो भी अगला कार्ड ये बता रहा है कि आपको जो भी सफलता मिले, जो भी आप काम करें, उसमें एक आप स्थिरता रखें, ज़्यादा उछले कूदे नहीं कि मुझे तो ये मिल गया, मैं तो इतना कामयाब हो गया, मैं तो ये हो गया, नहीं, अपने आप को स्थिर रखें और आपकी वो स्थिरता ही लोगों को भाएगी कि ये तो धीर गंभीर हैं, ओछे नहीं हैं। इसके बाद लेकिन स्थिर रहते हुए, सबके लोगों के बीच में सबको प्यार देते हुए, अपनी निगाह अर्जुन की तरह मछली की आंख पे रखिएगा, आप फोकस अपना कार्य पे रखिएगा, फोकस इधर उधर मत कीजिएगा। आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम कार चला रहे होते हैं तो सड़क भी देख रहे हैं, स्पीड भी देख रहे हैं, साथ बैठे हुए व्यक्ति से बात भी कर रहे हैं, किसी टॉपिक पर ही तो बात कर रहे होंगे, उसमें भी सोच रहे हैं, तो फोकस सब कुछ करते हुए फोकस अपने कार्य पर ही रखिएगा। क्योंकि अगला कार्ड आपके साहस की बात करता है, क्योंकि आप एक बड़े कर्जियस हैं, आप बड़े साहसी व्यक्ति हैं, छोटी छोटी चीज़ों से डोलते नहीं हैं, तभी तो ओपननेस की बात है आपके साथ। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। हरिओम नारायण हरि।